हेलो एंड नमस्ते फ्रेंड्स। आज अपने सेंटर टेबल को दो तरह से सजाना सीखेंगे, घर के कुछ छोटे छोटे सामान से। मैं दोनों डेकोरेशन को दिखलाऊंगी आप लोगों को, जितना भी कम खर्च में टेबल को सजाया जा सकता है वही वीडियो मैं आज आप लोगों के साथ लेकर आई हूँ। ये जो सूखे हुए फ्लावर्स आप लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये मैं ओरिजिनल फ्लावर लाई थी। रोज है, सनफ्लावर है, फ्लावर लीव्स हैं, इस तरह से मैं लेकर आई थी। उसी को मैं सुखाई हूँ, सुखाकर मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ। इस सूखे हुए फूल से हम लोग अपने घर को बहुत ही सुंदर से डेकोर कर सकते हैं। यहाँ पर मैं दो बुक्स रखी हूँ, उसके ऊपर ये भी फ्लावर वास है गणेश जी का, और ये तो बहुत ही क्यूट सी है, प्यारी सी है फ्लावर वास, जो कि इसमें मैं रोज डाल रखी हूँ, रोज फ्लावर। और ये फ्लावर वास तो आप लोग मेरे DIY में देखे हैं, मैं इसका लिंक दे दूँगी। आप लोग इस भूतल आर्ट का वीडियो ज़रूर वॉच कर लीजिएगा। यहाँ पर एक बड़ा सा फ्लावर वास रखी हूँ, इसमें सिर्फ लीफ रखी हूँ रेड कलर का, इसमें कोई फ्लावर नहीं है, सिर्फ पत्ते हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो ज़रा भी पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें। बैटरी कैंडल के साथ मैं यहाँ पर सजाई हूँ, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं सजाई हूँ। और ये जो टेबल क्लॉथ देख रहे हैं, ये मेरी कुर्ती का बनाया हुआ है, मैं खुद ही इसका DIY की हूँ। ये है मेरा सेकंड टेबल डेकोरेशन, यहाँ पर भी मैं DIY किया हुआ सामान है। ये है एक पानी का जग कॉपर का, जो कि बहुत ही खूबसूरत है, मैं लोकल मार्केट से इसे खरीदी हूँ। इसका तीन का सेट है, इसका जो ढक्कन है बहुत ही खूबसूरत है, और ये दो ग्लास हैं, मैं यहाँ पर एक ही ग्लास का डेकोरेशन की हूँ, जो कि बैटरी कैंडल के साथ। ये सीसिल कैंडल होल्डर मैं खुद ही DIY की हूँ, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। ये वीडियो आप लोग चैनल पर ज़रूर देखिएगा। ये है एक गणेश जी का बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत सा फ्लावर वास, जिसमें मैं ओरिजिनल फूलियाँ सजाई हूँ। और इसमें मैं ये एक ग्लास जार है, जिसमें मैं पोटपूरी रखी हूँ, जिससे कि बहुत ही सुंदर फ्रेग्रेंस आता है, घर का वातावरण ही बिल्कुल चेंज हो जाता है। ये जो टेबल मैट फ्रेंड देख रहे हैं, ये भी मेरा खुद का DIY किया हुआ है, टेबल के ऊपर जो प्रिंटेड टेबल मैट है, और जो टेबल कवर जो डाल रखी हूँ टेबल पर, ये भी मेरा खुद का ही DIY किया हुआ है। नमस्ते एंड बाय बाय फ्रेंड्स।